स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार गांव के दो व्यक्तियों ने शहर जाकर पैसे कमाने का निर्णय लिया। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम कर दोनों ने कुछ पैसे जमा किए। फिर उन पैसों से अपना अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। दोनों का व्यवसाय चल पड़ा। दो साल में ही दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। व्यवसाय को फलता फूलता देख पहले व्यक्ति ने सोचा कि अब तो मेरा काम चल पड़ा है, अब तो मैं तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला जाऊंगा। लेकिन उसकी सोच के विपरीत व्यापारिक उतार चढ़ाव के कारण उसे उस साल का अत्यधिक घाटा हुआ। अब तक आसमान में उड़ रहा वह व्यक्ति यथार्थ के धरातल पर आ गिरा। वह उन कारणों को तलाशने लगा जिनकी वजह से उसका व्यापार बाजार की मार नहीं सह पाया। सबसे पहले उसने उस व्यक्ति की तलाश की जिस व्यक्ति ने उसके साथ व्यवसाय स्टार्ट किया था। वह यह जानकर हैरान रह गया कि इस उतार चढ़ाव और मंदी के दौर में भी उसका व्यवसाय मुनाफे में है। उसने तुरंत उसके पास जाकर इसका कारण जानने का निर्णय लिया। अगले ही दिन वह दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच गया। दूसरे व्यक्ति ने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसके आने का कारण पूछा। तब पहला व्यक्ति बोला, दोस्त, इस वर्ष मेरा व्यवसाय बाजार की मार नहीं झेल पाया है, बहुत घाटा झेलना पड़ा है। तुम भी तो इसी व्यवसाय में हो, तुमने ऐसा क्या किया कि इस उतार चढ़ाव के दौर में भी तुमने मुनाफा कमाया। यह बात सुन दूसरा व्यक्ति बोला, भाई, मैं तो बस सीखता जा रहा हूं, अपनी गलती से भी और साथ ही दूसरों की गलतियों से भी। जो समस्या सामने आती है उसमें से भी सीख लेता हूं, इसलिए जब दोबारा वैसी समस्या सामने आती है तो उसका सामना अच्छे से कर पाता हूं और उसके कारण मुझे नुकसान नहीं उठाना पड़ता। बस ये सीखने की प्रवृत्ति ही है जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाती है। दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ। सफलता के मद में वो अति आत्मविश्वास से भर उठा था और सीखना छोड़ दिया था। वह यह प्रण कर के लौटा कि कभी सीखना नहीं छोड़ेगा। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। दोस्तों, जीवन में कामयाब होना है तो इसे पाठशाला मान हर पल सीखते रहिए। यहां नित नए परिवर्तन और नए विकास होते रहते हैं। यदि हम स्वयं को सर्वज्ञाता समझने की भूल करेंगे तो जीवन की दौड़ में पिछड़ जाएंगे, क्योंकि इस दौड़ में जीतता वही है जो लगातार दौड़ता है। जिसे दौड़ना छोड़ दिया उसकी हार निश्चित है। इसलिए सीखने की ललक खुद में बनाए रखें, फिर कोई बदलाव, कोई उतार चढ़ाव आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता।